सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत रॉय का मंगलवार को 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 14 नवंबर की रात 10:30 बजे मुंबई के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वैसे तो उनकी गिनती भारत के एक बड़े कारोबारी के तौर पर होती थी। सुब्रत रॉय ने सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की और वे आम लोगों के बीच सहारा श्री के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने ही सहारा को रेलवे के बाद सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी बनाया, मगर एक छोटी सी गलती के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्होंने कंपनी को अपने ही सामने डूबते हुए भी देखा। अब ऐसे में सुब्रत रॉय के निधन के बाद लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, खासकर गांव में रहने वाले छोटे निवेशकों का क्या होगा, क्या उनका पैसा वापस मिल सकेगा। दरअसल बिहार के अररिया से 1978 में यूपी के गोरखपुर आकर बिस्किट और नमकीन बेचने का काम करने वाले सुब्रत रॉय ने सहारा कंपनी को 2,00,000 करोड़ रुपए तक का सफर कराया। सहारा इंडिया में आज भी करोड़ों निवेशकों की जमा पूंजी है। अब अगर आपने भी सहारा की किसी स्कीम में पैसा लगाया हुआ था तो आप भी घर बैठे अपने पैसे को वापस हासिल कर सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सहारा ग्रुप को आदेश जारी किया था कि वो निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाए। यदि आपने भी सहारा इंडिया में पैसा लगाया था तो केंद्र सरकार के लॉन्च किए गए रिफंड पोर्टल से आप आसानी से 45 दिनों में अपना पैसा वापस पा सकते हैं।